हमने बस यही प्लान था कि हम जितना गेम को डीप लेके जाएं उतना अच्छा। और जिस तरह नसीम ने बॉलिंग कराई वो काफ़ी अच्छा था, और स्टार्ट में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, क्रूशियल विकेटें लेके दी, और डेथ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज़ के भी को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उसने वो लास्ट ओवर किया। प्रेशर गेम थी और जिस तरह हम ओवर द लाइन नहीं हुए। बाबर, बैटिंग में हम कहाँ चूक गए? क्या तेज खेलने की चाह में हमने जल्दी विकेट गवा दी, या कंडीशंस मुश्किल थी, या इंडिया के बोलर्स बहुत काम करके आए थे हमारे लिए? नहीं, मैं हानी वाज दिस अ सरप्राइज फॉर यू ऑल जिस तरह हानी ने परफॉर्म किया? डेफिनेटली देखें, पार्टनरशिप नहीं लगी मेरे ख्याल से। जिस तरह पार्टनरशिप लगती है तो थोड़ा सा प्रेशर आता है दूसरी टीम पे। वो छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी, एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी 50 रन की, तो वो थोड़ा सा हमने मिस किया। और आखिरी जो ओवर्स थे मेरे ख्याल से वैसे यूटिलाइज नहीं किए, लेकिन टेल ने जिस तरह स्पेशली धानी और हारिस ने चप इन किया थोड़ा रन, वो काफ़ी हमारे लिए फाइट बैक के लिए काफ़ी थे, लेकिन उसके बाद फाइट हमने काफ़ी अच्छी की। बाबर, आप नसीम शाह को बहुत खेलते रहे हैं, कितने पंप अप आज नजर आए थे आपको, पहले कभी लगे? देखें, फास्ट बॉलर हमेशा ही पम्प्ड अप रहता है और अग्रेशन रहता है उसमें। और देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल हमने शाहीन को काफ़ी मिस किया, लेकिन उसने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। और जिस तरह उसने न्यू बॉल किया और उसके बाद जो डेथ में गया वो काफ़ी अच्छा था। डेफिनेटली विकेट पे थोड़ा सा डबल पेस था, और कल के मैच को भी देख के हमने कोशिश ये थी कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बॉलिंग करते, और वो हुआ नहीं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर टॉस हार गए या हमने पहले बॉलिंग नहीं की, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा रन शॉर्ट थे। लास्ट क्वेश्चन सर, आप एंड देन वी लास्ट टूर्नामेंट यहाँ जो हुई थी वो बिल्कुल, जो टॉस जीता वो मैच जीता ऐसे हो गया, लेकिन आज वो जो खौफ था वो निकल गया शायद, या आपने ज़्यादा अच्छा खेला? नहीं, खौफ तो कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी एफर्ट में आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एफर्ट करते हैं। टॉस देखें, टॉस मैटर इतना नहीं करता, आपकी एफर्ट मैटर करती है। आप कुछ ऐसा भी होता है कि आप 120 में भी जीत जाते हैं और 100-150 में भी हार जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने एफर्ट किया है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में जब फिट एंड फॉर्म है, एक बड़ा डिफरेंस करता है वो, इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है। डेफिनेटली जिस तरह वो बॉलिंग में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और बैटिंग में जिस तरह उसने फिनिश किया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, और जिस तरह उसने फिनिश किया वो काफ़ी अच्छा रहा। जी शायद भी लास्ट ओवर नसीम की क्या अपडेट है, क्या काफ मसल है या कोई क्रैम है? सिर्फ क्रैम्प है। देखें, प्रेशर मैच होता है, और जो भी है अभी डेब्यू हुआ और उसके लिए एक काफ़ी बड़ा मैच था, और जिस तरह मेरे ख्याल से वो उसका कॉन्फिडेंस था, जिस तरह उसने अपनी एग्रेशन दिखाई है, ये तो मेरे ख्याल से ये तो प्रेशर में क्रैम्स आ ही जाते हैं।